प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर सिंगरौली भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 14 तारीख से 20 तारीख तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जहां शनिवार को बेड़न मंडल भड़कुआ गांव में भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के नेतृत्व में दिव्यांग को ट्राई साइकिल, बैसाखी छड़ी, कान की मशीन का वितरण किया गया है। वहीं उपकरण पाकर दिव्यांगों की खुशी का ठिकाना न रहा। दिव्यांगों ने प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र की कामना भी की है। वहीं पिछले दिनों रेड क्रॉस के सहयोग से ब्लड डोनेट का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट किया। इसी दौरान हॉस्पिटल में मरीजों को फल भी वितरण किए गए हैं। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर और आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र गोयल जी के निर्देश पर सेवा सप्ताह का कार्यक्रम 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में मनाया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को था, इसके उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह का कार्यक्रम पार्टी द्वारा तय किया गया। इस सेवा सप्ताह के अंतर्गत 14 और 15 तारीख को स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम रखा गया, 16 तारीख को रक्तदान का कार्यक्रम युवा मोर्चा के, 17 और 16 को रक्तदान का कार्यक्रम युवा मोर्चा के द्वारा पार्टी कार्यालय में रखा गया था, 17 तारीख को फल वितरण का कार्यक्रम देवसर हॉस्पिटल में फल का वितरण किया गया, आज 18 तारीख को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, 19 तारीख को भी प्रबुद्धजनों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रखा गया है, 20 तारीख को प्रत्येक बूथ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें प्रत्येक बूथ पर 70 वृक्ष लगाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिला सिंगरौली के द्वारा 14 सितंबर से 20 सितंबर तक अपने माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर जो पिछले दिनों स्वच्छता अभियान, एकल प्लास्टिक का उपयोग न करने का संकल्प दिलाने का कार्य, आपके रक्तदान शिविर और जो कोरोना से इन्फेक्टेड व्यक्ति हुए थे उनके प्लाज्मा डोनेशन का सहमति पत्र का अभियान चलाया गया, उसी कार्यक्रम के तहत कल हमने भाजपा जिला कार्यालय में 70 लोगों का रक्तदान कराया था और इस जिले में यह संदेश और जागरूकता पैदा की थी कि लोगों को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कई ऐसे लोग जो कि रक्त को न पा पाने की वजह से उनकी जानें चली जाती हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने यह पहल करके एक सार्थक कदम उठाने का प्रयास किया। आज हम इसी कड़ी में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, ईयर मशीन और बैसाखी और स्टिक, इस तरह की चीज़ें दे करके उन दिव्यांगों को एक छोटी सी सुविधा दे करके लाभान्वित कर रहा है। कल हमारे वीडियो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी उस वीडियो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में यहाँ के स्थानीय 70 लोगों के साथ में जुड़ेंगे और 20 तारीख को हमारा बृहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, जिसमें कि हमारी यह योजना है कि प्रत्येक बूथ पर कम से कम कुछ पौधे लगाए जाए, जो हमें प्रदेश के द्वारा जितने पौधों के टारगेट दिए गए हैं, मैं समझता हूँ कि उस दिन हमारे इस जिले में प्रत्येक मंडल एवं बूथ स्तर पर लगभग 20 से 25 हज़ार पौधों को लगाए जाने की योजना है। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को, यहाँ के स्थानीय जनता जनार्दन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सबने जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हर समय में उनके कार्यों को सराहा है, मनाएं, ऐसा आप सबों से अपेक्षा करता हूँ। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी के निर्देश पर हम सब भारतीय जनता पार्टी मंडल बैठन के लोग नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर सेवा सप्ताह के रूप में उनका जन्मदिन मना रहे हैं। 14 तारीख से 20 तारीख तक, 14 तारीख को हमने स्वच्छता अभियान किया था 14 और 15, 16 तारीख को हमने मास्क सैनिटाइजर वितरण किया और 17 तारीख को कल जिस दिन उनका जन्मदिन था उस दिन युवा मोर्चा के द्वारा कैंप लगा करके कार्यालय में
रक्तदान किया गया और भारतीय जनता पार्टी मंडल गढ़न के द्वारा ट्रामा सेंटर में मरीजों को फल वितरण किया गया। और आज जो है हम लोग 18 तारीख को विकलांगों के लिए उनके ज़रूरतमंद की सामग्री जैसे कि ई साइकिल हुआ, छड़ी हुई, कान के लिए मशीन हुआ, ये सब हम लोग आज वितरण कर रहे हैं। और कल हम लोग का वीडियो कॉन्फ्रेंस है और परसों 20 तारीख को हम लोग वृक्षारोपण करके इस कार्यक्रम को समाप्ति की घोषणा करेंगे। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।